तेरी बीवी थी इतनी बेइज्जती हो गई है और तुम्हें कोई परवाह नहीं। क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं? तुझ बतलो बस, आज से तुझ दिया है जो अब तलो दे, ऐसे ही बैठे लेना हाथ पे हाथ धले। मेरी बेइज्जती करी हो नंदनी। क्यों, जब तुम्हारा वक्त आया तो दल धोने लगा और जब निधिता जी और सिया ने मुझे दल से निकल जाने की धमकी दी तब तुझने? हाँ हाँ मैं तो भूल गई हूँ, तुम तो सब कुछ तबूल कर चुके हो, हम तो बिठा लिए जो भी हमें भीत देकर चला जाए या हुतुम चलाकर चला जाए। चिल्लाओ मत नंदनी। क्यों नहीं चिल्लाऊं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो कम से कम मेरा तो दिमाग मत खराब करो। वो दो टकेती सिया, उसकी हिम्मत ऐसे ही मुझे अपने तमले से निकाल देनी थी। नंदनी, सिया अब इस घर की बहू है, वो जैसा कहती है वैसा करो, और अगर तुमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है तो चली जाओ अपनी माँ के घर। अच्छा, अब तुम भी मुझे दल से निकालना चाहते हो? अब मैं समझ गई, तुम्हारे बहन के पास बहुत पैसा आ गया है ना, इसलिए उसके आधे पीछे धूम हिलाते फिलो दे। नंदनी, अरे तुम लोग तो हो ही ऐसे, भाई जिसने पैसों से तालन माँ बाप का दला डाल दिया, और बहन जो तलाती तलते लोदो तो फंसाती रहती है, और तुम भी हो गए हो शामिल उनमें। अब नंदनी, अब इसके आगे कुछ भी खाना तुम्हें तो क्या तलो दे तुम? हाँ क्या तलो दे, जिंदगी भर तो मेले आधे जबान ही खुली और आज शेल बन गए हो। नंदनी तुम अभी बस करोगी कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, बस का दिमाग खराब हो गया। हाँ हाँ दिमाग तो मेला ही खराब हुआ है ना, जाओ जाओ आधी तुम्हारी बहन, अब तलवे चाटो इससे। नंदनी माफ करना सिया, आज मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि किस गलत औरत के साथ मैंने शादी की है। मेरी जिंदगी खराब हो गई है, हमेशा मेरे घर वालों के खिलाफ मुझे भड़काती रही है, और आज जब तुम यहाँ आई हो तो इसके सीने पर सांप रेंग रहे हैं। माफ करना सिया, और आम तुम भी, कि तुम लोगों के वेलकम के वक्त मैं यहाँ नहीं था, लेकिन सही बताऊं तुम लोगों के आने से मुझे बहुत खुशी है, बेहद खुशी है। और जहां तक इस रूम का सवाल है, मैं तो तुम दोनों को वैसे ही देने वाला था। नहीं भैया। नहीं सिया, इसकी बातों में मत आना, ये गुस्से में कुछ भी भग जाती है ना, ना ये खुद खुश रहती है और ना ये दूसरों को खुश देख सकती है। भैया नहीं। नहीं सिया, ये ऐसी है, इसने वैसे ही हमारा मूड खराब कर दिया। चलो चलते हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट। भाभी तुम तुझ बताओ, तुम्हारे जैसा मतदार और धतिया इंसान मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। अपना धन तो बचा लिया, अब मेरे धन में आग जला लियो। सिया तुम नर्क में जाओ दीदी। नंदनी आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो और मैं तुम्हारे लिए, समझी? चलो सिया। भैया प्लीज चलो, चलिए।